Hello everyone, welcome back to Deep Brothers. This is Kuldeep and Akashdeep. We are back with a new video. आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं ये एक अपकमिंग स्कूटर के बारे में जो कि Honda ADV150 है. स्कूटर का फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, प्राइस, टॉप स्पीड, माइलेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं. तब तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा नया अपडेट्स का. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. Honda ADV150 लिक्विड कूल्ड 80 डिग्री सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड 149 सीसी का एक स्कूटर है. यह स्कूटर 10.7 किलोवाट मैक्सिमम पावर जनरेट करता है एट 8500 आरपीएम एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है 13.8 Nm एट 6500 आरपीएम. Honda इस स्कूटर को 6 कलर्स में लॉन्च करने वाला है जैसे कि एडवांस्ड रेड, एडवांस्ड व्हाइट, टफ मैट ब्राउन, टफ मैट ब्लैक, टफ रेड, टफ सिल्वर. स्कूटर का फ्रंट ब्रेक है सिंगल 240 mm डिस्क ABS और रियर ब्रेक है मैकेनिकल 130 mm ड्रम ब्रेक. अब आते हैं स्कूटर का प्रीमियम सस्पेंशन जो कि शोआ का दिया गया है और इसका फ्रंट सस्पेंशन है 35 mm टेलीस्कोपिक और रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक्स है. स्कूटर का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल है और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और आप चाहते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके स्कूटर का हेल्थ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हैं. स्कूटर का जितना भी लाइट्स है जैसे कि हेडलाइट एंड टेल लाइट एंड हैजर्ड लैम्प और इंडिकेटर्स सारे के सारे LED होने वाला है. स्कूटर में आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जर विथ अ कंसोल बॉक्स जिसमें आप मोबाइल रख भी सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट फीचर जो कि स्मार्ट की सिस्टम है. आपको स्मार्ट की के वजह से आपका जो चाबी है गाड़ी का चाबी वो खोने का डर नहीं रहता है और इसका जो नॉब है इस नॉब से घुमाते आपका फ्यूल टैंक का लीड भी खुल जाता है और इसका सीट भी खुल जाता है या गाड़ी भी ऑन हो सकता है. इस स्कूटर में आपको मिल जाता है एक यूज़फुल फीचर जो कि आइडलिंग स्टॉप फीचर है जो कि आप ट्रैफिक सिग्नल में अगर खड़े रहते हैं और या कोई जगह पे आप अगर रुकते हैं आपका स्कूटर लेके तो वो ऑटोमेटिक कुछ देर बाद वो इंजन बंद हो जाता है और एक्सेलेट करने में वो तुरंत ही स्टार्ट ले लेता है. आपका कोई की का या चाबी का कोई ज़रूरत नहीं होता है. इस स्कूटर में आपको मिलेगा 2-position विंडस्क्रीन जो कि एडजस्टेबल है. आपके हिसाब से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं. आपको अगर लॉन्ग राइड्स में जाना है, हाई स्पीड्स में जाना है तो आप विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो विंडस्क्रीन है वो आप एडजस्ट करके ऊपर उठा सकते हैं ताकि आपको विंड ब्लास्ट ना हो, आपको विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्शन मिल जाए. और अगर आप सिटी राइड करते हैं तो उसमें विंड ब्लास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इसलिए आप विंडस्क्रीन को लोअर कर सकते हैं आपके हिसाब से. स्कूटर में आपको मिल जाता है 27 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज जो कि बहुत इनफ स्पेस है आपको फुल हेलमेट रखने के लिए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए. स्कूटर में आपको मिल जाता है एक बड़ा सा लेग रूम और ये लेग रूम कोई और स्कूटर के जैसा नहीं है. ये स्कूटर का लेग रूम ही सबसे खासियत है जो कि बहुत डिफरेंशिएट कर देता है कोई और स्कूटर के साथ. इस स्कूटर का जो लेग रूम दिया गया है वो क्रूजिंग करने के लिए हेल्प करेगा आपको और आपका पैर में कोई स्ट्रेस ना लगे इसलिए इसका लेग रूम जो दिया गया है वो क्रूज़र बाइक के जैसे ही दिया गया है ताकि आपका लॉन्ग राइड्स, एडवेंचर राइड्स सब कुछ कंफर्टेबल रहे. स्कूटर का जो कर्व वेट है 133 kgs है जो कि बहुत लाइट वेटेड है एज एन एडवेंचर टूरिंग बाइक जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशन मिल जाता है और बहुत स्पेस भी मिल जाता है आपका राइड ताकि बहुत कंफर्टेबल रहे. होंडा इस स्कूटर को एक एडवेंचर टूरिंग के लिए ये डिज़ाइन किया है पर आप इसको सिटी राइड में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं और एडवेंचर के लिए तो ये स्कूटर है ही है आपके पास. इस स्कूटर का ट्यूबलेस वाइट टायर्स की वजह से आपका राइड बहुत कंफर्टेबल होने वाला है, सेफ होने वाला है और आपका हैंडलिंग भी बहुत रिफाइंड होने वाला है. स्कूटर में बहुत सारे एक्सेसरीज भी आप लगा सकते हैं अलग से जो कि सेंटर रबर पैड है, हैंड गार्ड है, लेग डिफ्लेक्टर है और बहुत कुछ ऐसा आपको एक्सेसरीज मिल जाएगा. अब आते हैं स्कूटर का टॉप स्पीड जो कि एक्सपेक्टेड है 115 किलोमीटर्स पर आवर. स्कूटर का फुल टैंक कैपेसिटी है 8 लीटर्स. अब आते हैं स्कूटर का माइलेज जो कि ऑलमोस्ट आपको दे देगा 48 to 54 किलोमीटर्स पर लीटर.
अब आता है स्कूटर का प्राइस जो कि ऑन रोड 1,30,000 के अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये स्कूटर जैसे ही इंडिया में लॉन्च होता है उसका प्राइस, माइलेज, कलर, टॉप स्पीड, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन लेके और एक वीडियो हम लेके आएंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारा नया अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।